हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 दिसंबर दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, कल ही देश भर में क्रिसमस का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। उड़ीसा राज्य में 1500 किलो टमाटर से सांता क्लॉज बनाया। वहीं मुंबई में मिडनाइट प्रेयर्स देखने को मिली, तो गोवा में बीच पर पर्यटकों की मस्ती भी दिखी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं क्रिसमस सेलिब्रेशन की। और इन्हीं खुशियों के माहौल के साथ ही देश में नववर्ष की शुरुआत का जश्न भी अब शुरू होने जा रहा। और कल ही आपको पता होगा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल पहुंचे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति समेत दिग्गज नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। और इस दौरान पीएम मोदी ने 2022 की आखिरी मन की बात भी की। पीएम मोदी ने वाजपेयी जी को याद किया और बोले कि मास्क और सैनिटाइजेशन का जरूर ध्यान रखें। मन की बात में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का विस्तार देखने को मिला इस साल 2022 में। अच्छा दोस्तों, हाल ही में टीवी स्टार तुनिसा शर्मा ने खुद की जान ले ली। इस मिस्ट्री पर भी कुछ बड़े खुलासे आ रहे हैं। उनके साथ काम करने वाले एक को एक्टर सीजान मोहम्मद खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन की रिमांड पर रखा गया। पुलिस ने कहा कि मौत से 15 दिन पहले सीजान ने तुनिसा से ब्रेकअप कर लिया था और इसी के तनाव में तुनिसा ने अपनी खुद की जान ले ली। हालांकि इस मामले में लव जिहाद का एंगल नहीं दिख रहा है। मशहूर टीवी एक्ट्रेस रह चुकी तुनिसा शर्मा परसों के दिन, आपको पता होगा, इस दुनिया को अलविदा कह गई मात्र 20 साल की उम्र में। तो क्योंकि उनके साथी कलाकार सीजान और तुनिसा के बीच अच्छी दोस्ती थी, ऐसी भी खबरें आई थी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिर दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता और इसी टेंशन में तुनिसा ये कदम उठाती है। इस मामले को लेकर इंटरनेट पर कुछ लोग लव जिहाद का एंगल भी बता रहे हैं, क्योंकि सीजान एक मुस्लिम एक्टर है इसलिए। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना कि ऐसा कोई एंगल नहीं है। हालांकि ऑल इंडियन सीने वर्कर्स एसोसिएशन की तरफ से ये मांग की गई है कि तुनिसा मौत मामले में एक SIT का गठन हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टास्क फोर्स बनाई जाए और वो इस मामले को देखे। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अगली खबर आ रही है, सरकार ने सभी इनकम टैक्स पेयर्स को एक बार फिर से अलर्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए ITR रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तब तक आप जरूर भर दें, वरना फिर आपके घर पर नोटिस आ सकता है। और वैसे अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाया है तो 31 मार्च 2023 के बाद से आपका पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि निष्क्रिय हो जाएगा। तो इसलिए पैन कार्ड आधार कार्ड को भी लिंक करवा ले मार्च 2023 तक। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इस संबंध में भी एडवाइजरी जारी की गई है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में अब 9 दिन का ब्रेक रहेगा और अब 3 जनवरी 2023 से फिर शुरू होगी यात्रा। अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश में रहेगा। अच्छा भाई, अगला अपडेट आ रहा है, साल 2022 में सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का अंतिम मौका है। 28 दिसंबर को बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक मेगा ई ऑक्शन का आयोजन किया जा रहा है। देश के अलग अलग जोन में अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो बैंक की ओर से इन प्रॉपर्टीज की नीलामी की जाएगी। ऑफिशियल पोर्टल है IBAPI.in पर जाकर आप नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं, है ना। और मैं देखिए, भारतीय छात्रों को 1 महीने में मिलेगा स्टूडेंट वीजा। कई कैटेगरी में नहीं देना होगा वीजा इंटरव्यू भी। 1 लाख स्लॉट खाली होंगे। दरअसल अमेरिका जाने का सपना देखने वाले भारतीय छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अब उन्हें वीजा पाने के लिए 1 महीने से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1-to-1 इंटरव्यू के लिए भारतीयों को करीब 3 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय वीजा आवेदनकर्ताओं को इंटरव्यू में मिलने वाली छूट को बढ़ाने का ऐलान किया है। और अमेरिकी विदेश मंत्री ने 31 दिसंबर 2023 तक कुछ वीजा श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को इंटरव्यू से छूट भी दे दी है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है चीन। तवांग झड़प के 15 दिन बाद वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि शांति के लिए दोनों देश में बातचीत जारी है। वैसे चीन से तनाव के बीच हमारी भारत सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, LAC पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती को मंजूरी दे दी है। और अब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल तैनात होंगी। 120 मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी है मोदी सरकार की तरफ से। हालांकि ये प्लान पूर्व CDS जनरल रावत ने बताया था, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनके प्लान को अब हकीकत में बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। अच्छा, देश के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। देखिए, देश को मिलेंगे 21 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। भारत सरकार ने इसको भी मंजूरी दी है और जल्द ही नए साल 2023 के दौरान इन सभी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। अच्छा भाई दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में बंद है। अब उनकी सुविधाओं में कटौती होगी, बाहरी लोगों से भी वो नहीं मिल पाएंगे। जेल मैनुअल के उल्लंघन के बाद प्रशासन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में आपको पता होगा, इनके कई सारे मसाज वगैरह के वीडियोस वायरल हुए थे, तो उसके बाद अब सत्येंद्र जैन पर ये शिकंजा कसा गया। अच्छा, रेलवे से बड़ी खबर आ रही है, नए साल पर हरियाणा में करनाल यमुनानगर रेल लाइन का तोहफा मिलेगा। हरियाणा का केंद्र को रिमाइंडर, हिसार एयरपोर्ट की ट्रेन कनेक्टिविटी पर भी हो रहा काम। इसके अलावा भी रेल यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है, गुजरात उधना से हिसार व मुंबई सेंट्रल से भगत की कोठी के बीच चलेंगी शीतकालीन स्पेशल ट्रेन भी। खेल समाचार पर बड़ी खबर है, भारत ने बांग्लादेश को 4th बार क्लीन स्वीप किया। श्रेयस अश्विन ने 8वें विकेट के लिए 71 रन जोड़े। भारत के लिए 90 साल बाद ऐसा कमाल देखने को मिला और इस जीत से भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। वही देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब के सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थियों के लिए शुरू होगी बस सेवा। जैसे प्राइवेट स्कूलों में होती है ना, ठीक वैसे ही बस की सेवा अब
पंजाब में सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए पंजाब सरकार शुरू करने जा रही है। अच्छा, बढ़ते कोरोना माहौल के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 167 नवीन एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी और साथ ही राजस्थान में एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया, जिससे कि एम्बुलेंस का मैनेजमेंट कंट्रोल बेहतर होगा। राजस्थान की बात हो रही तो आपको बता दूं 28 दिसंबर को सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे राजस्थान के बेरोजगार। उनकी 9 सूत्री मांगे हैं, उनको लेकर आंदोलन करेंगे। उपेन यादव बोले कि सरकार हमारी मांगों में फेल हुई। वहीं देखिए गुड गवर्नेंस डे के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। हरियाणा पुलिस में अगले महीने 2500 भर्ती आने वाली है और साथ ही सोनीपत में बनेगी चौथी पुलिस कमिश्नरी भी। और एक बड़ी घोषणा ये की गई है कि स्टूडेंट को मार्कशीट के साथ ही अब पासपोर्ट की सुविधा भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए मणिपुर राज्य में बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जिरीबाम इम्फाल। नई रेल परियोजना का कार्य बड़ी प्रगति से तेजी से चल रहा है। ये रेल लाइन टोटल 110 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है और इसमें 52 तो सुरंगें होंगी, जिनमें से 48 का काम पूरा हो चुका है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है, अब आप अपने ड्रोन का भी इंश्योरेंस करा पाएंगे। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से ड्रोन इंश्योरेंस का एक खास प्लान लॉन्च किया गया। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के इस राज्य में मुस्लिम शादियों के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा। नाबालिग के विवाह पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। दरअसल तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। कम उम्र की मुस्लिम लड़कियों की शादी कराने वाले काजियों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्यवाही की जाएगी और बाल विवाह ना हो इसमें रोकथाम लगाने के लिए ही तेलंगाना सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। अब वर और वधु का आधार कार्ड अनिवार्य किया है और इन सभी का रिकॉर्ड ऑनलाइन भी रखा जाएगा। तेलंगाना सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड को भी सभी शादियों का ब्यौरा ऑनलाइन रिकॉर्ड कराने का निर्देश दे दिया, क्योंकि अक्सर मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी कराने के काफी ज्यादा मामले देखे जाते हैं और इन्हीं हालातों को देखते हुए तेलंगाना सरकार की तरफ से मुस्लिम शादियों में अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया ताकि उम्र वेरीफाई हो सके, है ना। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, एफडी पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। इसे एक और प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को सौगात दी है। दरअसल एचएसबीसी बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए से कम की ब्याज दरों में इजाफा किया गया। अब सीनियर सिटीजन को 7.50% तक ब्याज मिलेगा। अच्छा, व्हाट्सएप एक और नया अपडेट लेकर आ रहा है। किसी ने स्टेटस लगाया और अगर आपको अच्छा नहीं लगा, यानी कि कोई ऐसा वैसा गलत फालतू स्टेटस लगा दिया, तो उसको आप रिपोर्ट भी कर पाएंगे। ये भी नया सिक्योरिटी फीचर व्हाट्सएप लेकर आ रहा है ना। और दोस्तों चलिए अब अपन कुछ आज के कोरोना अपडेट देख लेते हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है कोरोना का। तो देखिए देश में कोरोना का एक और खतरा आया है। आगरा में चीन से लौटा एक कारोबारी संक्रमित पाया गया। जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए उसका सैंपल भेजा गया। चीन से ये व्यापारी आया था उत्तर प्रदेश आगरा में, लेकिन ये संक्रमित निकला। तो इसके बाद इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए सैंपल को भेजा गया। और दुनिया में भी कोरोना का खतरा काफी ज्यादा बड़ा हुआ है। चीन में तो हालात ये चल रहे हैं कि वेयर हाउस में रखी जा रही हजारों लाशें सरकार डेली केस रिपोर्ट भी जारी नहीं करेगी। तो वहीं चीन में बढ़ते कोरोना के कहर ने भारत में भी चिंता बढ़ा दी है और केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और पीएसए प्लांट तैयार रखें। केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया। भारत में वैसे आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 227 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत हुई। एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या भारत में भी चौथी लहर आ सकती है। इसी आशंका के बीच केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कमर भी कस ली है और केंद्र सरकार के निर्देशों पर सभी राज्यों के अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही है, खास करके ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता का स्टॉक भी बढ़ाया जा रहा है। और कल 27 दिसंबर को तो देश भर के सभी राज्यों के अस्पतालों में एक साथ मॉक ड्रिल भी आयोजित किया जाएगा, मतलब कि एक डेमो टेस्ट आयोजित किया जाएगा कि अगर भारत में वाकई में कोरोना के मामले बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो हालातों को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, क्या व्यवस्थाएं होगी, इसका एक डेमो ट्रायल किया जाएगा, है ना। और मैं देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ में भी कोविड अलर्ट जारी करते हुए सरकार ने सभी अस्पतालों में कल मॉक ड्रिल का आदेश तो दिया ही, साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के कलेक्टर को भी निर्देश जारी किया है 3 महीने तक दवाइयों का स्टॉक रखेंगे। और कोरोना को लेकर अलर्ट होने का वक्त आ चुका है। राघव चड्ढा बोले कि चीन से आने वाली फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगाएं केंद्र सरकार। हिमाचल प्रदेश में भी दुगुना हुए कोरोना के केस, 8 दिन में 14 से 30 पहुंचे सक्रिय मामले, 4 दिन से निरंतर बढ़ रहे कोविड मामले। वहीं अब उत्तराखंड की अदालतों में मास्क के बिना आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी होगा। ये कुछ अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से कोरोना के माहौल को देखते हुए नए नियम लागू किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उत्तराखंड में कोर्ट में जाने से पहले आपको मास्क लगाना जरूरी होगा, है ना। गुजरात में भी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए अब मास्क को अनिवार्य कर दिया है, आगरा ताजमहल की तरह ही। और उत्तर प्रदेश में देखिए परिवहन मंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि कोविड 19 रोकने के लिए रोडवेज बसों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए, यानी कि रोडवेज सफर के दौरान भी आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी होगी। और देखिए इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना की नई लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से अलर्ट हो चुका है। नोएडा के निजी अस्पतालों में 10-10 बेड रिजर्व रखने के निर्देश भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना के BF.7 वेरिएंट से बचने की तैयारी की जा रही है। हर जिले के 2 हॉस्पिटल में अब कोविड यूनिट तैनात होगी। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर निर्देश, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार रखें और दवाओं की उपलब्धता व जांच को लेकर भी निर्देश दिए। तो ये कुछ कोरोना का माहौल चल रहा देश में और अभी सक्रिय मामलों
की बात करें तो 3424 अभी एक्टिव केस चल रहे भारत में कोरोना के। दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक लाजवाब वेबसाइट के बारे में बताता हूँ। WWDC और यहाँ तक की 274 रेलगाड़ियां तो कैंसिल रही है। संपूर्ण भारत का आज 26 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण तमिलनाडु में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की चेतावनी है। आंतरिक कर्नाटक दक्षिण में और केरल, उत्तरी नागालैंड और पश्चिम हिमालय के कुछ इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का मौसम अलर्ट भारत का। वैसे देखिए अमेरिका में भी बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में 18 लोगों की जान चली गई, इतना आईसी तूफान चल रहा। हजारों घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की बिजली भी गुल हो गई। अमेरिका में भी हालात काफी ज्यादा गंभीर चल रहे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। और चलिए अब मौसम के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में एक नया नियम, अब पहले से लेकर 8वीं कक्षा तक सभी निजी व सरकारी स्कूलों में एक समान होंगे प्रश्न पत्र। शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा सुधारों के तहत SAES को लागू किया जा रहा है और इसके तहत अब 8वीं कक्षा तक के सभी छात्रों के एक समान क्वेश्चन पेपर होंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी के हो स्टूडेंट, है ना। वहीं राजस्थान में जो पेपर लीक मामला हुआ उस पर देखिए पेपर लीक करने वालों की सीज होगी प्रॉपर्टी, और चीटिंग करने वाले 43 स्टूडेंट्स जो जालोर के हैं वो अब कभी भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम भर्ती परीक्षा नहीं दे सकेंगे, परमानेंटली उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। राजस्थान पेपर लीक मामले में रैकेट के मास्टरमाइंड समेत अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये इस बार सख्त कार्यवाही तो की जा रही है सरकार की तरफ से पेपर लीक करने वालों पर। अच्छा भाई, CBSE से भी एक अपडेट आ रहा है कि दिव्यांग बच्चों का CBSE के पोर्टल पर अब ब्यौरा देना होगा ताकि उनको विशेष सुविधाएं मिल सके। इस संबंध में 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर सभी स्कूलों को निर्देश दिया है ताकि मतलब अपनी अपनी स्कूलों में कितने दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं इसका डेटा अब CBSE के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ताकि दिव्यांग छात्रों को परीक्षा में भी कुछ विशेष सुविधाएं मिल सके। वैसे हरियाणा में भी 17 साल पुराने एक HPSC भर्ती घोटाले पर अपडेट आ रहा कि दोषियों के खिलाफ दर्ज होगा केस। राष्ट्रपति से इस संबंध में सरकार ने मंजूरी मांगी है और दिल्ली भेजी जीरो एरर फाइल को भी। 2005 में एक मुकदमा दर्ज हुआ था हरियाणा लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले को लेकर यह बड़ा अपडेट आ रहा। चलिए एजुकेशन के बाद अब कुछ और अपडेट देख लेते फटाफट से देश से जुड़े। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की नई गाइडलाइंस के चलते बिहार के सभी जिला सहकारी बैंकों के बोर्ड अब भंग होंगे और उनकी जगह प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा। बिहार राज्य सहकारी बैंक और 22 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी बोर्ड को भंग किया जाएगा। अच्छा भाई देखिए नेपाल में अब बनेगी नई सरकार, प्रचंड होंगे नेपाल के अगले प्रधानमंत्री, अगले 2.5 साल तक वो पद पर रहेंगे, PM मोदी ने भी इनको बधाई दी। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड में, अब आप हेलीकॉप्टर से पर्यटक कर सकेंगे हिमालय के दर्शन। बैरागी कैंप और टनकपुर से शुरू होगा एरो पर्यटन। हिमालय दर्शन सेवा के लिए 40 मिनट के टूर पैकेज में प्रति यात्री 5,000 और 1.5 घंटे के टूर पैकेज में 10,000 प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया। वह देखिए मध्य प्रदेश ग्वालियर में कल ही अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में बनेगा भव्य अटल स्मारक और इस मौके पर CM बोले कि ग्वालियर विकास में इंदौर और भोपाल को भी पीछे छोड़ेगा, स्वच्छता का संकल्प लो आप लोग। अच्छा हरियाणा कैबिनेट का एक बड़ा फैसला देखिए, अब सिंगल फादर को मिलेगी 2 साल की चाइल्ड लीव। जी हाँ, एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी और महिला सरकारी कर्मचारी बच्चों को 18 साल होने तक संपूर्ण सेवा काल के दौरान अधिकतम 2 साल यानी कि लगभग 730 दिन तक के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकेंगे। हरियाणा कैबिनेट बैठक में यह मंजूरी दी गई। बीमा पॉलिसी वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है, पॉलिसी धारकों के रिटर्न को बेहतर बनाने के लिए इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव किया जाएगा। LIC इस संबंध में बड़ा फैसला लेगी। LIC का कहना है कि पॉलिसी धारकों के रिटर्न को बेहतर बनाने के लिए यह नया कदम उठाया जा रहा है और इससे कंपोजिट लाइसेंस का फायदा भी मिलेगा। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम संसद में बीमा कानून संशोधन बिल पास होने के बाद कंपोजिट लाइसेंस क्लोज पर विचार कर सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा मैं देखिए उत्तराखंड के DGP ने पुलिस कर्मियों को बड़ी सौगात दी है, अब वे अपने जन्मदिन व सालगिरह पर अवकाश ले सकेंगे। एक तो अपने बर्थडे पर और एक उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर उत्तराखंड के पुलिस कर्मियों को अब परिवार वालों के सदस्यों के साथ समय बिताने के लिए अवकाश मिलेगा, छुट्टी मिलेगी। अच्छा अगली बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में यूरोप के 3 देश करेंगे 77,140 करोड़ रुपए का निवेश और इससे रोजगार के कई मौके बनेंगे। डिफेंस, फिल्म, चिकित्सा उपकरण, मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह कई अलग अलग सेक्टर में निवेश किए जाएंगे। यूपी के युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा, बड़ी अच्छी बात है। वह देखिए हाईकोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से LU शिक्षकों की रिटायर होने की उम्र बढ़ाकर 65 साल करने को कहा है। यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने कहा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं उनकी रिटायरमेंट उम्र अभी 62 साल है, उसको बढ़ाकर 65 साल किया जाए। देखते हैं अब इस पर योगी सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है, जो भी खबर आएगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में भी बनेगी स्पेशल फूड स्ट्रीट, जहां देश भर के खाने का राज्य के लोग लुत्फ उठा पाएंगे। योगी सरकार की तरफ से भी इस तरह का नया प्लान बनाया गया, मतलब उत्तर प्रदेश के सभी शहरों में एक स्पेशल फूड
फूड स्ट्रीट बनाई जाएगी। खाने का पूरा अलग से बाजार होगा जहाँ देश भर के अलग अलग राज्यों का खाना आपको एक साथ मिल सकेगा। मतलब बड़ी गजब की चीज होगी ये। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गो अभ्यारण्य बनाया जाएगा। 5,000 से ज्यादा पशुओं को मिलेगा आश्रय। यूपी के पशुपालन मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। हां ना, तो ये कुछ यूपी के अपडेट रहे। और अगली बड़ी खबर देखिए, इस सप्ताह बाजार में रिकवरी के आसार देखने को मिल रहे हैं। टाइटन और SBI समेत 5 ऐसे स्टॉक हैं जिन पर एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि उन पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उन 5 स्टॉक्स की लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक आप देख सकते हैं, एक तो दवा बनाने वाली कंपनी सिप्ला, टाइटन, मोरपेन, EKC और SBI। इन स्टॉक पर आप निवेश का गेम खेल सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से ये कोई पर्सनल बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, जो मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स ओपिनियन चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में नए साल 2023 में होगा कांग्रेस संगठन में बदलाव। ग्वालियर चंबल में बदलेंगे कई जिला ब्लॉक अध्यक्ष। दिल्ली में इस संबंध में हाई लेवल मीटिंग भी हुई। अच्छा भाई देखिए, एम्स में मरीजों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। अब रियल टाइम बेसिस पर वेबसाइट में मिलेगी एम्स में रिक्त बेड की संख्या, यानी कि एम्स हॉस्पिटल में कितने बेड खाली हैं। इस बात की जानकारी का पता आप मोबाइल पर ही एम्स वेबसाइट के जरिए लगा पाएंगे। फिलहाल ये फैसिलिटी छत्तीसगढ़ रायपुर से शुरू की जा रही है, धीरे धीरे दूसरे एम्स हॉस्पिटल में भी शुरू की जाएगी। वैसे छत्तीसगढ़ से एक और अपडेट आना कि सिगरेट तंबाकू ने कितना किया आपके शरीर को खराब, अब आप जान सकेंगे, साथ ही इलाज भी हो पाएगा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इस तंबाकू सिगरेट जैसी जानलेवा आदत को खत्म करने के लिए जिला अस्पताल में एक नशा मुक्ति केंद्र भी संचालित किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। अच्छा कल ही दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ी दुर्घटना हो गई थी। गैस टैंकर विस्फोट से 15 लोगों की जान चली गई और इसमें मौतों की संख्या और भी बढ़ सकती है। पुल से नीचे फंसने के चलते ये धमाका हुआ था। वह देखिए, राजस्थान में जयपुर से इंदौर के बीच जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। राजस्थान जयपुर से मध्य प्रदेश इंदौर के बीच जनवरी 2023 में यह बड़ा तोहफा मिल सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहला दक्षिण भारत का दौरा करने जा रही है अपने राष्ट्रपति बनने के बाद। आज सोमवार को वो हैदराबाद पहुंचेगी और 5 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर रहेगी। 5 दिन तक वो दक्षिण भारत के अलग अलग इलाकों में विजिट करेगी और इस दौरान उनके क्या प्लान रहेंगे जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन बी किरण बेदी। विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से। रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी टीम के द्वारा एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीत सकते हैं जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट वीडियो तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाओगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।